क्या आप अपनी फेसबुक वीडियोस, फेसबुक पोस्ट या फेसबुक रील्स को शेड्यूल करना चाहते हैं मगर आपको ये ऑप्शन डायरेक्टली आपके फेसबुक पेज पर नहीं मिलेगा। अब देखिए मैं अपने फेसबुक पेज पर मौजूद हूँ। अब जैसे ही मैं ये रील पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी रील सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पर कहीं पर भी आपको शेड्यूल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये देखें ये तमाम ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर लें, यहाँ पर आपको शेड्यूल पोस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब अगर आपने फेसबुक पर अपनी रील्स या अपनी वीडियोज़ को शेड्यूल करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ से आपने मेटा बिजनेस सूट इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। जिस तरह YouTube के लिए YouTube स्टूडियो होता है इसी तरह Facebook के लिए मेटा बिजनेस सूट है, इसको आपने ओपन करना है और अपनी Facebook ID के साथ इस पे लॉग इन हो जाना है। अब देखें जैसे ही मैं अपने Facebook ID के साथ यहाँ पे लॉग इन होऊंगा मेटा बिजनेस सूट पर, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं यहाँ पर अभी मेरा Facebook पेज ओपन है। अब यहाँ पर मुझे शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा देखें, यहाँ नीचे आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपने प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी रील आपने सेलेक्ट कर देनी है। वैसे मैंने यहाँ से एक रील सेलेक्ट कर दी। अब इस रील को जैसे ही मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो देखें मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक पब्लिश नाउ का और दूसरा शेड्यूल फॉर लेटर का। तो सिंपली मैं शेड्यूल फॉर लेटर इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से अपना देखें आज का टुडे लिखा हुआ है, साथ जो भी आपने आज का टाइम सेलेक्ट करना है। वैसे तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 1 PM, तो यहाँ से मैंने 1 PM सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने ओके कर दिया और यहाँ से शेड्यूल पे क्लिक कर दूंगा। और नीचे देखें शेड्यूल रील का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली मैं शेड्यूल रील पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो रील है ये शेड्यूल हो जाएगी 1 PM पर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह अगर आपने फेसबुक पर अपनी रील्स या अपनी वीडियोज को शेड्यूल करना है तो आपको डायरेक्टली फेसबुक पेज पर जाकर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपने मेटा बिजनेस सूट इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और उसके साथ अपने फेसबुक आईडी के साथ लॉग इन करना है और यहाँ से आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा।